हेलो नमस्कार, वेलकम टू महिंद्राज। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है आज के मीट द विनर्स के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस एपिसोड में हम जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो है मेहुल बंसल जी से बात करेंगे, उनकी कहानी जानेंगे। एक स्पोर्ट्स पर्सन होने से लेकर एक सिलेक्टेड कैंडिडेट बैंकिंग में भी और साथ ही साथ एसएससी में भी, इनका जो ये जर्नी रहा है, जो सफर रहा है, उसके बारे में कैसे इन्होंने इसको अटेन किया, कैसे अचीव किया जो ये चाहते थे, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं मेहुल, तुम्हारा कैसे हो? बढ़िया सर। बिल्कुल अच्छा जी सर। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है काफी। बिल्कुल, कुछ बातें हैं जो मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। चूंकि दूसरा ऐसा इंटरव्यू है जिसमें एक स्पोर्ट्स पर्सन इन जॉब्स की तरफ आया है और फिर उसको अचीव भी किया है, जो आपने सोचा वो आपने अचीव किया। क्या ऐसा स्पोर्ट्स में था जो आपको यहाँ पे भी फाइट करने में मदद किया? मेबी सर डेडिकेशन या विल टू वर्क हार्ड। मतलब स्पोर्ट्स में हमेशा से ऐसा रहा है कि टू अचीव समथिंग यू हैव टू लाइक विन फ्रॉम एवरीवन, लाइक एवरीवन इन द वर्ल्ड। तो उसके बाद स्पोर्ट्स में मैंने ये चीज सीखी थी कि नेचर बहुत कॉम्पिटिटिव होता है किसी भी स्पोर्ट का। तो जब आपको जीतना है तो सबसे जीतना है। सिल्वर मेडलिस्ट या ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को कोई नहीं याद रखता, हमेशा लोग गोल्ड मेडलिस्ट को याद रखते हैं। बिल्कुल। तो मुझे हमेशा से मेरे माइंड में ये चीज रहती थी कि निकलना है तो सबसे आगे निकलना है और अचीव करना है तो सबसे ऊपर अचीव करना है। क्या ऐसा था, तुम तो एकदम स्पोर्ट्स पर्सन थे, कौन कौन से स्पोर्ट्स खेलते थे? मैंने स्केटिंग में नेशनल खेला हुआ है, उसमें मेरे 4 गोल्ड मेडल है, 1 सिल्वर मेडल है एट नेशनल लेवल। फिर मैंने वेट लिफ्टिंग में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेशन किया है, वो भी नेशनल लेवल गेम है। और शूटिंग में मैंने इंडिया को नॉर्थ जोन में रिप्रेजेंट किया है, पिस्टल 10 मीटर है पिस्टल में। ओके। तो मेरा तीनों स्पोर्ट्स में एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। और आफ्टर ऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि तीनों स्पोर्ट्स ने मिलकर मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है, जिसकी वजह से आई हैव मतलब रीच्ड एट दिस लेवल, आई हैव क्लियर्ड मल्टीपल एग्जाम्स। क्या कारण रहा है स्पोर्ट्स से हटके और एक गवर्नमेंट जॉब की तरफ बढ़ने के पीछे? मुझे सर जब मैं वेटलिफ्टिंग करता था तो मुझे सर्वाइकल इंजरी हो गई थी। तो उसकी वजह से मुझे स्पोर्ट्स में काफी प्रॉब्लम आया करती थी। लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यू कर रहा था। मतलब आई वाज नॉट एट दैट पॉइंट कि मुझे नहीं करना, मैं जो है परमानेंटली वैसे इंजर्ड हो गया, रिटायर होने का मन है स्पोर्ट्स से। तो मैं एक दिन अपनी शूटिंग रेंज से आया, मैं उस टाइम वेट लिफ्टिंग में जब इंजरी हुई उसके थोड़े टाइम बाद मैंने स्विच कर दिया, जस्ट बिकॉज इंजरी ज्यादा हो गई थी। तो फिर मैंने शूटिंग के बारे में देखा, शूटिंग मुझे बहुत अच्छा लगा, विच आई एम गोइंग टू कंटिन्यू आफ्टर आई स्टार्ट डूइंग माई जॉब इन सीजीएल। तो शूटिंग मैंने स्टार्ट किया, तो एक दिन मैं अपनी शूटिंग रेंज से वापस आया तो मेरे कुछ दोस्त हैं वो बैंक की प्रिपरेशन अभी भी कर रहे हैं, तो मैं उनके पास गया और उनसे बात करने लगा। तो करियर से रिलेटेड बात होने लगी, तो उन्होंने बोला यार शूटिंग में तो ये है, मजा आता है गोली चलाने में। तो मैंने बोला कि हाँ वो सब तो है, मतलब प्रोस कॉन्स हर एक चीज के होते हैं। तो फिर मैंने पूछा कि आप लोग का कैसा है पढ़ाई लिखाई का, बैंक एग्जाम्स कैसे होते? तो उन्होंने लाइक थोड़ा सा बोला कि बहुत हार्ड होता है मैथ, बहुत सबको अपना बहुत हार्ड लगता है, हाँ रीजनिंग बहुत हार्ड आती है, इंग्लिश बहुत हार्ड आती है। तो मुझे लगा कि देखते हैं ऐसा क्या हार्ड है। तो उन्होंने वो कोई मॉक दे रहे थे, तो मॉक खोल के दिए उन्होंने और मुझे बोला कि देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये सॉल्व करके देखो, अगर तुमसे हो जाते हैं फिर तो बढ़िया बात है। तो मैंने वो क्वेश्चन उठाए, मैंने देखा मैथ से क्वेश्चन बहुत ईजी लगे मेरे को, कुछ हार्ड नहीं लगा उनके अंदर। फिर मैंने इंग्लिश पे गया, इंग्लिश भी मेरा अच्छा था। ऑल्दो मैं करीबन 2 से 3 साल बाद कोई कुछ स्टडी से रिलेटेड कर रहा था, क्योंकि ग्रेजुएशन में मैंने कुछ खास ज्यादा पढ़ा नहीं था क्योंकि मैं टोटली स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व था। तो 2 से 3 साल के गैप के बाद मैं कर रहा था, तो मैंने मुझे लग रहा था कि ये तो बहुत ईजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। फिर मैंने रीजनिंग देखा तो पजल्स थी और कई टाइप के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे, तो मुझे हार्ड नहीं लगा उसमें से कुछ भी। तो फिर मैंने मेरी ग्रेजुएशन, मुझे उस टाइम ही लग गया था कि एग्जाम ज्यादा हार्ड नहीं है, कोई भी एग्जाम ज्यादा हार्ड नहीं कर सकते हैं, मतलब डूएबल है, थोड़ी मेहनत चाहिए। तो फिर उसी टाइम एसएससी जीडी का फॉर्म आया हुआ था, मतलब लाइक सेम डे जिस दिन मैंने वो करा उसी टाइम आया हुआ था वो, अप्लाई कर दिया मैंने। तो जीडी का मैंने एग्जाम दिया, तो फिर मेरा जीडी का वो निकल गया था जो फर्स्ट एग्जाम जीडी में, क्योंकि एक ही रिटर्न एग्जाम होता है, तो वो मेरा वो एग्जाम निकल गया था। तो मेरे कट ऑफ से 16-17 मार्क्स आता थे। तो फिर उसके बाद क्योंकि मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम है इसलिए मैं उसके आगे के प्रोसीजर में गया नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं मेडिकल में रिजेक्ट हो जाऊंगा।
तो फिर मुझे वहां से एक थोड़ी मोटिवेशन मिली कि हाँ आई कैन डू इट। मैं बिना पढ़े जब मैंने जीडी का एग्जाम निकाल लिया तो मैं पढ़ के तो ऑब्वियसली निकाल कुछ सकता भी हूँ, नहीं पढ़ा कुछ था। भी नहीं पढ़ा था। मैंने एक अरिहंत की बुक ली थी, उसको पता नहीं मैंने मुश्किल से गिन के 10 पेज पढ़े होंगे उसको। एकेडमिक्स कैसा रहा? मैंने 10th 12th तो CBSE से किया हुआ है। मेरा स्कूल था संगीम स्कूल मुगलसराय, मतलब हम लोग के डिस्ट्रिक्ट का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है। आगरे में? नहीं, आगरा में मेरी पोस्टिंग, मेरा घर बनारस में, बनारस अच्छा, के पास बनारस में। के पास। तो वहाँ से मैंने अपना स्कूलिंग किया था, तो वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है, मतलब स्पोर्ट्स से लेके पढ़ाई से लेके सब कुछ वहाँ पे, मतलब सब बहुत अच्छे से सब कुछ कराया जाता है। तो स्पोर्ट्स भी मैंने वहीं से स्टार्ट किया पढ़ने का था। मन तो वैसे भी किसी का नहीं करता। हाँ, पढ़ने का मन तो वैसे भी, तो मैंने 10th 12th मैं स्कूल मैं पढ़ने में अच्छा था, मैं पढ़ता नहीं था। तो टेंथ हाँ, जो ट्वेल्थ अच्छे होते हैं वो यही यही कहते हैं, वो करते भी यही हैं। ये बिल्कुल तो जेन्युइन है। सर मैं अच्छे होने का टेंथ एहसास होना बड़ा खतरनाक है। क्यों ऐसा लगता हाँ है ऐसा आपको, तो अगर ये फील हो गया कि मैं बहुत अच्छा हूं इस चीज जी में जी और वो आपके दिमाग पे चढ़ चढ़ गई गया। बात, तो वो आपको कहाँ ड्राइव करके लेके जाएगी, यू नेवर नो मेरे ऐसे। इसी बात पे मेरे एक सर थे, मुझे साइंस पढ़ाया करते थे स्कूल में, अवधेश नाम था, अवधेश सर। तो उन्होंने मुझसे एक बात बोली थी कि कभी भी जब गाड़ी चलाओ तो ये मत सोचना कि तुम्हें गाड़ी चलानी आ गई, जिस दिन तुम ये सोचोगे उसी दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा या फिर कुछ भी हो जाएगा। बिल्कुल तो कभी भी कोई भी चीज़ में तुम कितने में टैलेंटेड हो जाओ ये मत सोचना कि तुम्हें 100% वो चीज़ आती है, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ रह जाता रह है। जाता है बिल्कुल। तो फिर सर वही मैंने 10th 12th अपनी स्कूलिंग संगम स्कूल से करी थी, फिर मैंने ग्रेजुएशन अपनी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से करी है, जो कि बनारस में एक यूनिवर्सिटी तो है, ये स्टूडेंट। रेगुलर जाते थे कॉलेज, नहीं, मैं नहीं जा रेगुलर नहीं पाते करता थे क्योंकि जैसा बताया। स्पोर्ट्स था मेरा, बट हाँ मैं अटेंड कर लेता था क्लासेस। स्पोर्ट्स में क्या ड्रीम करते थे, यानी स्पोर्ट्स कहाँ जाने में के लिए सोचते थे? ओलंपिक्स, मतलब उसके अलावा तो मैंने अभी भी कुछ दिमाग में नहीं सोचा। हमेशा ये चल रहा अभी भी है सर, है वो अभी भी? भी वो है कि जब मेरी जॉब स्टार्ट हो जाएगी, जब मैं खुद से कमाने लगूंगा तो मैं खुद के स्पोर्ट्स को वो करूंगा, फिर से वो करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, मेहनत करूंगा। तो आज नहीं तो कल मैं फिर से स्पोर्ट्स तो स्टार्ट करूंगा। स्पोर्ट्स करने में या कोई फिटनेस करने में और स्टडी करने में, आप क्या ऐसी चीज स्पोर्ट्स की लेकर आप अपनी स्टडी में अप्लाई कर सकते हैं? आपको कोई ऐसी चीज लगती हो जो आपने किया हो, या आपको लगता हो कि स्पोर्ट्स होने की वजह से ये पढ़ाई में भी मुझे हेल्प कर रहा है? मुझे एक चीज़ हमेशा से लगती है कि स्पोर्ट्स ने मेरी मेंटल एबिलिटी, मुझे मेंटली बहुत स्ट्रांग किया, क्योंकि कभी हार ना मानने कभी की, हाँ, क्योंकि कंपटीशन लड़ते काफ़ी, रहना। हाँ लड़ते रहना। मैंने कई साल स्पोर्ट्स किया, लाइक 7 to 8 years, तो मेरा हमेशा से ये था कि मुझे जीतना है, मुझे जीतना कंपटीशन है, हमेशा जीतना है। किया। हाँ, कंपटीशन हमेशा किया मैंने, तो हमेशा से। तो मेरा एक यही असूल था कि कभी भी कोई गेम खेलो या कभी कोई कंपटीशन करो तो जीतने के लिए करो। अब चाहे वो मैदान पर हो हाँ, चाहे या वो फिर एग्जाम हॉल में एग्जाम हो। एग्जाम हॉल में हो, तो हमेशा अपने माइंड में कंपटीशन। एक्चुअली मेरे जेनेटिक्स में, मेरे मम्मी पापा भी बहुत कंपटीटिव नेचर के हैं। तो कॉम्पिटिटिवनेस आती कैसे है? तुम्हें लगता है कि कुछ ये डिफॉल्ट सेटिंग होती है, या फिर तुम्हारे केस में तो जैसा तुम बोल रहे हो पीछे से आ गई है, हाँ, क्या ना मेरे डिफॉल्ट सेटिंग है? मेरे मेरे में तो सर मुझे लगता है कि मेरे मम्मी पापा की देन है। बाकी लोगों के अंदर वो लोग खुद भी डेवलप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है क्या कि स्पोर्ट्स आपको लगता है कि डिसिप्लिन की तरफ भी लेके जाता है बहुत ज़्यादा आपको, सर, बहुत और वो ज़्यादा, हेल्प करता है? बहुत ज़्यादा उसने आपको हेल्प किया होगा जी जरूर। सर। मतलब आपको डेडिकेटेड बना देता है कोई भी चीज़ के लिए, करना है तो करना है, देर इज़ नो शॉर्टकट टू एनीथिंग। स्मार्ट वर्क करने में, हार्ड वर्क, मतलब मैंने एक लाइन पढ़ी थी, गधे की तरह मेहनत करने में और घोड़े की तरह मेहनत करने में डिफरेंस होता है। तो स्पोर्ट्स ने मुझे एक चीज़ वो सिखाई कि आप स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क भी करें, बट स्मार्ट वर्क भी स्मार्ट करें। वर्क भी करें, मतलब यानी अगर स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क अगर आप करें, हाँ दैट विल बी अ डेडली हाँ कॉम्बिनेशन, दैट राइट? या है ना, कोई चीज पा सकते हैं। हाँ, मतलब वो एक की टू सक्सेस कह सकते हैं कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क को अगर आप मिला दें तो आपको जो एंड रिजल्ट मिलेगा वो फ्रूटफुल होगा। मैं अपने बच्चों से एक बात बोलना चाहूंगा, जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं देख रहे हैं, देखिए मैं हर बार ये इस बात को लेकर बोलता भी हूं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप डेडिकेटेड हैं, दैट्स वेल एंड गुड, पर साथ में आपको अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करने की जरूरत होती है सब चीज। अभी मैं नोवाक जोकोविच उसका इंटरव्यू पढ़ रहा था, वॉट ही सेड कि मैं यहाँ पहले प्रिपेयर करता हूँ, फिर मैं प्रिपेयर करता हूँ अपनी बॉडी को, फिर मैं अडॉप्ट करता हूँ अपने गेम को। सेम चीज़ है, आप कोई भी काम परस्यू कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है वो स्पोर्ट्स ही हो, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करने की जरूरत होती है। और दिमाग से हारा हुआ आदमी कभी जीत नहीं नहीं सकता, सकता। इसलिए दिमाग से पहले जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे आपके केस में, और लास्ट टाइम मैंने एक इंटरव्यू किया था उसमें भी बच्चे ने यही बोला कि वो स्पोर्ट्स करता था, और वो बहुत स्पोर्ट्स का या कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको जीतने की एक ललक होती है,
वो आपको डिसिप्लिन तो देता ही देता है, साथ में आपको मोटिवेट भी करता है कि आगे बढ़ते रहो। इसको बोल बिल्कुल भाई जी। फिर उसके बाद क्या हुआ, स्पोर्ट्स छोड़ने के बाद क्या स्टेटस रहा, एग्जाम्स वगैरह देने स्टार्ट किए तो फेल भी हुए होंगे बीच में कभी? ये स्थिति नहीं है, एक एग्जाम में मैं फेल हुआ हूँ, एक में केवल फेल, एक में, वो भी मैंने बिना पढ़े दिया। ये बहुत रेयर लोग होते हैं, आप लोगों को मैं बता दूं, उनका फेलियर जो है वो सक्सेस का एक बहुत जो है अभिन्न अंग है, ऐसा आप कह सकते हो। कहीं ना कहीं इंसान फेल होता है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो फेल हो सकता है, बट वो उस फेलियर को लेकर अगर आप उसको पॉजिटिवली कैरी करते हैं, लाइक अगर आपने सोच लिया कि हम इससे कुछ सीख रहे हैं, है ना, तो फिर आप उसको बेहतर कर सकते हैं। एक बात बताइए हमें, जब आप पढ़ाई में आए, आपको तो पहले कॉन्फिडेंस था, एक एग्जाम आपने पहला वाला दे दिया, निकल गया, उसमें कहाँ पे जाके मामला अटका, और फिर दूसरे एग्जाम के लिए आपके दिमाग में क्या चल रहा था? सर फर्स्ट एग्जाम का तो जैसे मैंने बताया मुझे वो था सर्वाइकल प्रॉब्लम है, तो हाँ। उसकी वजह से मैंने मतलब मैंने वो ऐसे वार्म अप एग्जाम दिया था, तो जानने के लिए, कि कैसा होता है, मतलब कैसा लगता है, फील कैसा वो क्लियर भी हो गया, क्लियर भी हो गया वो, तो अच्छा लगा था एग्जाम निकलने के बाद। तो ऑल दो मैंने बोला भी था कि मैं जो है फिजिकल जो रेस होती है जीडी में वो देने जाऊंगा, बट मेरी फैमिली ने बोला कि क्या फायदा है ये वो, अभी तो यू कैन प्रिपेयर फॉर मोर एग्जाम्स ऐसे, तो मैंने फिर वो दिया नहीं, बट मुझे ये पता था कि मैं देता तो मैं निकाले था, क्योंकि मैंने 5000 मीटर में स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन भी खेला हुआ है, ऑल यूपी रैंक मेरी 6th थी ये रनिंग रनिंग में। वेरी गुड, वेल डन। फिर तो फिर मैंने वो दिया नहीं, फिर उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म होने वाली थी, तब मैं थोड़ा था कि स्पोर्ट्स करूं कि ना करूं, क्योंकि अभी मतलब मेरी फाइनेंशियल थोड़ी इश्यूज थे घर पे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा देखते हैं पढ़ाई की तरफ भी, तो मैंने फिर वो किया, सॉर्ट आउट किया कि कौन सा एग्ज़ाम अच्छा होता है, किसमें सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा है, किसमें जल्दी है, किसकी जॉब प्रोफाइल कैसी है। तो बचपन से जब भी कहीं जाया करते थे तो फिर बैंक और एसएससी ऐसे करके, बैंक एसएससी रेलवे करके पोस्टर छपा कर छपे रहते थे कि ये कोई तैयारी करें, हाँ तैयारी करें ये वो, तो बैंक और एसएससी तो मेरे माइंड में था कि मुझे करना है, मतलब कर सकता हूँ, क्योंकि बैंक का मैंने मॉक देके देखा था वो भी मेरा अच्छा गया था, और एसएससी का मैंने जीडी तो क्लियर किया था, तो मैं जो है मैंने कंपेयर करा दोनों को, तो फिर ये हुआ कि एसएससी मतलब करना एट द एंड मेरा गोल था एसएससी, बट बैंक में सिलेक्शन प्रोसीजर जल्दी होता है, इसलिए आप सोच रहे थे कि एक पहले बैंक हासिल हो जाए, हाँ, फिर उसके बाद कंटिन्यू करें। जी जी जी, तो बैंक पहले मैंने, फिर मैंने सोचा कि बैंक की प्रिपरेशन करते हैं, तो फिर मैंने मेरी लास्ट ईयर ग्रेजुएशन अगस्त में कम्प्लीट हुई थी, मतलब एग्जाम्स जो है बाय द एंड ऑफ जून खत्म हो गए। अच्छा, प्रिपरेशन कब स्टार्ट किया? जुलाई 2022 हम खड़े हैं जुलाई के पास ही, जी 23 में जी। ये एक साल केवल, और एग्जाम कौन कौन से क्लियर किए? हालांकि मैं लेट से ही इस बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन बनता है, अभी बताइए कौन कौन से एग्जाम आपने क्लियर? एसएससी जीडी को काउंट करें ना करें ज्यादा, हाँ नहीं करते हैं बिल्कुल, आपने क्लियर किया तो काउंट करते हैं। एसएससी एमटीएस में मुझे सीजीएसटी मिला था कोलकाता में, फाइनल सिलेक्शन ठीक है, उसका कॉल लेटर अभी भी आया, अभी आया मेरे घर पे थोड़े दिन पहले, ठीक है। फिर एसबीआई क्लर्क किया, मुझे दिल्ली सर्कल मिला, मैं अभी आगरा में पोस्टेड हूँ, एसबीआई ज्वाइन कर लिया, हाँ एसबीआई में हूँ मैम, लाइक आई एम वर्किंग राइट नाउ देयर। और फिर आईबीपीएस पीओ में मुझे कैनरा मिला, वो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, तो उसकी जो ज्वाइनिंग है अभी परसों ही है, वो भी लखनऊ गोमती नगर। क्या सोच रहे हो? उसको शायद मैं ना ही, हाँ, चलो फिर ठीक है, वो आपका डिसीजन है। फिर इसके बाद और कौन से? फिर एसएससी सीजीएल दिया था मैंने, उसमें मेरी प्री के टाइम उतनी प्रिपरेशन नहीं थी, मतलब मेंस में भी नहीं थी इतनी, हाँ। लेकिन मैंने दे दिया था क्योंकि वैकेंसी ज्यादा थी, मतलब प्रोबेबिलिटी थी, ज्यादा चांसेस थे कि सिलेक्ट हो जाऊंगा मैं, तो क्योंकि मेरा मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश तो मेरी अच्छी थी, रीजनिंग में मेरा 30 में से 29 क्वेश्चन सही थे, इंग्लिश में मेरे 45 में से 41 क्वेश्चन सही थे, जस्ट बिकॉज बैंक की इतनी हार्ड आती है, मतलब बैंक का लेवल इतना हाई रहता है कि आपको एसएससी के लिए मेंटली स्ट्रांग कर देती है वो चीज़, तो बैंक की प्रिपरेशन सोल रीजन था मेरा एसएससी सीजीएल में निकला। जनरल स्टडीज में मुझे प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन जैसे मैथ्स है, मैथ्स मेरे सवाल हैं ये सब चीज़ों को लेकर, लेकिन अब मैं यहाँ पे तुमको इंटरप्ट करूँगा, एक सवाल जो है वो ये है, एज कितनी है अभी? अभी मैं एक हफ्ते पहले 22 का हूँ। कंप्लीट होगी 22? नहीं 21 कंप्लीट होगी, 22 स्टार्ट हुई है। 22वें साल में आपने एंटर किया हुआ है, ये ना जी। 21 साल, ये वाली उम्र तो अलग ही लेवल की होती है जी, क्यों होती है कि नहीं? हाँ। तुम्हारे साथ के भी बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे, तो कभी मन नहीं किया कि और भी बहुत चीज़ें हैं दुनिया में जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन हो सकती हैं? मतलब
मैंने हमेशा एक लाइन सुनी है, मतलब लाइक कर्म करते रहो फल का इंतजार मत करो। ये तो मोटी लाइन हो गई, तो इसमें मतलब पर मुझे ये लगता तुम्हें था खुद कि से कुछ तो फीलिंग आती होगी यार। एक्चुअली क्या है ना, जो एज है ना आपकी अभी, ये एज के बच्चों के पास एनर्जी तो बहुत है, बट देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्ट्रैक्ट देम, एंड बहुत इजीली वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ क्या? नहीं सर, मेरे साथ कभी नहीं हुआ। क्या मतलब ऐसा था? स्पोर्ट्स है, एक ही जवाब है, अब इसके बाद मेरे पास सवाल भी नहीं है इसको लेकर। आपने सब मतलब कुछ बोला। मैं वैसे लेवल का इंसान हूँ, मतलब लाइक मेरा, मैं पर्सनली वैसा फील करता हूँ कि मेरे सामने अगर कुछ कोई गलत कर रहा है, जैसे कोई स्मोक कर रहा है, कोई ड्रिंक कर रहा है, मुझसे सहन नहीं होता है। मतलब मेरा अगर क्लोज फ्रेंड भी है, मुझसे वो गाली खाएगा, डांट सुनेगा, मारपीट भी कर लूंगा मैं उसके जो साथ बात मैं कर मेरे रहा सामने था रखे तो। स्पोर्ट्स की और डिसिप्लिन की, वो शायद यहां से लिंक होती हाँ हुई आती हाँ है। तो मुझे कभी मन नहीं करा कभी ऐसा कुछ करने का। हाँ मैंने ये सोचा है कि जब मैं जॉब करूंगा तो मैं घूमने फिरने बहुत जगह जाऊंगा, लाइक जितने होली प्लेसेस हैं इंडिया में, अब्रॉड भी हैं, तो मैं वो अपने पर्सनल एक्सपेंस जो है मैं खुद से, जब मैं खुद अर्न करूंगा तब मैं खुद ही उठाऊंगा। मैं कभी अपने पेरेंट्स के ऊपर वो उसको। घर में सरकारी नौकरी का और कोई ऐसा कभी कल्चर या कुछ ऐसा रहा है? हाँ ये रहा है कि सर जैसे कि घर में जब भी कोई बड़ा कोई आशीर्वाद देता था तो यही बोलते थे कि मेरा बेटा बहुत बड़ा सरकारी अफसर बने। तो बचपन से एक चीज़ वो थी कि जॉब मतलब गवर्नमेंट जॉब, और वो भी ऊंचे लेवल की, सीधे ऑफिसर स्पोर्ट्स लेवल की। करते थे, कॉलेज वॉलेज तो जाते नहीं थे, तो घर जी वाले की भी पढ़ाई को लेकर कोई सवाल बहुत तो नहीं बहुत करते करते कि थे सर, मतलब टॉन्ट वॉन्ट नहीं मिला हाँ तुमको ऐसा स्पोर्ट कैसे? इंडिया में, मुझे ये लगता है कि स्पोर्ट्स जो जो इंसान एक स्पोर्ट जो कोई भी इंसान जो है एथलीट है, उसको बहुत कुछ सुनने को मिलता है घर वालों से, बाहर वालों तुम्हें क्या से। सुनने को मिलता है? तो कौन सी वो चीज मतलब है जो तुम्हें बहुत कभी चुभती थी कि जैसे कि सर यार ऐसा कोई लोग सोचते हैं? कोई कंपटीशन खेलने गए, अब वहाँ पे माइंडसेट तो बना के गए, प्रैक्टिस करके गए, बहुत मेहनत जीतने के लिए करे ही। जीतने हाँ के लिए, अब वहाँ नहीं जीत पाए हाँ क्योंकि दुनिया वीरों से भरी पड़ी है, हाँ ठीक आपसे है भी बेटर होते हैं लोग बिल्कुल। और बहुत आपसे भी ज़्यादा मेहनत करने वाले होते हैं। अगर आप दिन में 10 घंटे मेहनत करो तो 12 घंटे 14 घंटे ये मत मेहनत हो। सोचिए कि आप ही अकेले हाँ दस आप ही घंटे कर रहे अकेले, हैं। आप ये मत सोचिए कि भगवान ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, आपने तो इतनी मेहनत करी, आपसे ज़्यादा लोगों ने मेहनत करी है। तो जो है मैं नहीं जीतता था तो मुझे, मैं पहली बार तो खुद ही डिमोटिवेट हो जाता था, मतलब ये लगता था कि यार नहीं जीत पा रहा ये वो, बट फिर ये रहता था कि और मेहनत करनी है और मेहनत करनी है। तो ये चीज़ रहती थी, और घर वाले फिर थोड़ा, मतलब ये रहता था कि मैं एक तो घर में सबसे बड़ा हूँ अपने भाई बहनों में, तो ये चीज़ सुनने को पर मिलती थी लगते कि बहुत छोटे हो और उम्र भी तुम्हारी 21 साल है, ये बड़े हैं अपने घर के, और ये बड़े और कई सारे मायने में है, माइंडसेट से बड़े हैं। क्योंकि अगर इंसान माइंडसेट से बड़ा हो जाता है तो फिर वो बड़ा हो ही जाता है या ना। जी। तो 21 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, इन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? इनके पास बहुत कुछ है, खोने के लिए भी और पाने के लिए भी, आप इनको क्या सलाह देंगे? जितना पा सकते हो उतना पाओ, जितना कम खो सकते हो उतना कम खो। कम मतलब खोने के लिए, कम खोने के लिए अपनी जो भी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, बुरी जैसे बुरी आदतें, हर एक आदतें हैं, चीज। हर एक चीज़ है कुछ भी। मैंने मैंने मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ सर, मैं पीजी में रहता था, अगर मेरे एरिया में 100 लोग रह रहे हैं तो 100 में से 10 लोग भी डेडिकेटेड नहीं थे, 5 6 8 लोग एक मैक्सिमम। डेडिकेटेड आदमी को फीलिंग तो आ ही जाती है, हाँ पता मतलब चलता है ना पता वो चल जाता है सामने कि से ये सामने वाला इंसान डेडिकेटेड कितना है या नहीं है। डेडिकेटेड है। मतलब जैसे कि मैंने कई लोगों को देखा है कि फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा है, आए प्रिपरेशन करने हैं बट हाँ फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा है, कि कभी किसी टाइम ही को, नहीं दे पा, असली काम हाँ को समय ही असली नहीं दे का पा रहे। हाँ पार्टी में चले गए, किसी का बर्थडे, कभी किसी का बर्थडे, कभी बाहर घूमना, कभी कुछ करना, फिर दूसरी चीज़ें जैसे स्मोक, लोग स्मोक करना, ड्रिंक करना स्टार्ट कर, सबसे ज़्यादा मतलब किसी इंसान को डिप्लीट कर सकते कोई चीज़, तो वो चीज़ वही है। और फिर उसके बाद मतलब थोड़ा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी चक्कर रहता है, मतलब ऑब्वियसली जहाँ पे अपोजिट जेंडर से रहते हैं तो एक चीज़ बनती है ऐसी, बट आपको डेडिकेटेड रहना है कि आपको नहीं इन्वॉल्व होना इन सब चीज़ों में। कुछ लोग ये बोलते हैं कि कुछ नहीं होता है इन सब चीज़ों से, आप कर सकते हो तो आप कर लोगे, ठीक है, बट वो लोगों का वो 100 में से पर्सनल। एक इंसान ही होता है, बहुत कम इंसान होते हैं कि जो फालतू चीज़ें भी कर लेते हैं और अपना अपना गोल भी अचीव कर लेते हैं। बिल्कुल वो वैसे ही अगर आप कोई अगर मोटिवेशनल वीडियो देख लो तो वैसे 100 में से कोई केवल एक इंसान होता है, अगर वो बुरी चीज़ें कर रहा है तो वो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए 1000 अच्छी चीज़ें भी कर रहा है। पता है, मेहुल की स्टोरी से मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग क्या लगता है, इतनी कम उम्र में एक आदमी अगर अपने माइंडसेट से जिम्मेदार हो गया, अपनी चीज़ों को समझने लगा, अपना अच्छा बुरा खुद से समझने लगा, और उसके लिए कोई आपको अलग से दिमाग की ज़रूरत नहीं है, एवरीबडी नोज एवरीथिंग, हर किसी को हर चीज़ के बारे में पता है, यू नो वेरी वेल कि क्या आप गलत कर रहे हो और क्या आप सही कर रहे हो। द डे यू विल स्टार्ट फीलिंग कि जो मैं कर रहा हूँ मैं ऑनेस्टी से पूरी ईमानदारी के साथ अपने काम को कर रहा हूँ, देन आपको किसी और मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आई थिंक, है ना। और जी आपको एहसास था ये,
हमेशा से अपनी जिम्मेदारियों का, अपने काम के प्रति जो आप करना चाह रहे थे, भले ही वो स्पोर्ट्स की देन है या जो भी है, पर ये बिना स्पोर्ट्स वाले लोगों के अंदर भी होती है, बिल्कुल आती है, सर, बिल्कुल होती है, कर सकता है हर कोई, कर सकता है, कर सकता है सर। आपको बस ये जानने की जरूरत है कि आप कहाँ पे खड़े हैं, कहाँ जाना है, और जहाँ जाना है उसके लिए आपको क्या सेक्रीफाइसेस करने हैं या क्या हार्ड वर्क करना है, राइट है ना? चलो आपसे मैं दो तीन चीजें और जानने की कोशिश करूंगा। एक तो मैं पढ़ाई वाले पॉइंट पे आऊंगा, ठीक है? पूरे ये एक साल के दौरान कभी एक बार भी खुद पे डाउट हुआ, लाइक कि ठीक है या लाइक यू स्टार्टेड फॉर बैंकिंग और कोई एग्जाम आपने बड़ा नहीं किया, या आपने एक क्लरिकल के एग्जाम क्लियर किया या नहीं किया, तो आपको कभी खुद पे डाउट हुआ कि नहीं हुआ, या अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा रहता था? मुझे डाउट होता था सर, डाउट मतलब खुद पे नहीं होता था, मतलब हाँ। ये मुझे पता था कि मैं कुछ ना कुछ तो कर लूंगा, हाँ। मुझे बस इस चीज से डर लगता था कि जो सोसाइटी है या घर वाले हैं वो क्या बोले, हाँ। मतलब अगर कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो। क्योंकि ऑब्वियसली बाहर आके रहना पढ़ना थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लाइक आप 10 to 15,000 आपके लग जाते हैं, मतलब अगर आप इतना कम से भी कम खर्च करो तो, रूम रेंट और खाने पीने का सब कुछ, पढ़ाई लिखाई का सामान, तो मुझे ये लगता था कि जितने भी पैसे मैं घर से ले रहा हूँ वेस्ट ना जाए, मतलब एक एक रुपए जो मैं ले रहा हूँ वो इफेक्टिव हो। तो अब जब जॉब लग गई है, अब मैं कर रहा हूँ, तो मेरी जो फर्स्ट सैलरी थी मैंने अपने घर पे करीबन 30,000 rupees भिजवाए थे आउट ऑफ माय फर्स्ट सैलरी, तो फिर हाँ लगा कि मतलब अब पहले जितना खर्च होता था पर मंथ, अब उससे डबल कमा रहे हैं पर मंथ, तो अब वहाँ पे प्राउड फील होता है। तुम्हारे पास अननेसेसरी खर्च करने के लिए जगह भी नहीं, हाँ, क्योंकि तुम्हारी कोई ऐसी आदतें नहीं है, वो भी है सर। वेरी गुड, वेल डन। चलो अब हम आते हैं प्रिपरेशन पे, प्रिपरेशन को कैसे प्लान आउट किया, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम में आपने देखा होगा, एग्जाम को देख लिया, तो ऐसा नहीं है कि कोई प्लान नहीं बना होगा, जब आपने सोच लिया होगा कि हमें करना ही करना है तो कोई तो दिमाग में प्लान रहा ही होगा। वो प्लान क्या था एग्जैक्टली, कैसे आप सोच रहे थे कि इसको मैं लेके जाऊंगा? लाइक सबसे पहले आपने GD का एग्जाम दिया, वो क्लियर हो गया, एक कॉन्फिडेंस आपको मिल गया कि नहीं ये बन सकता है, फिर बैंक की तरफ आए होंगे, है ना? आपने जैसा एनालिसिस किया, तो सबसे अच्छी चीज जो इनके साथ ये रही कि इन्होंने जब करना ही सोच लिया तो उसके बाद अच्छी एनालिसिस करी, कौन सा एग्जाम में देना है, कैसे करना है, पहले मैं फास्ट ट्रैक वाले एग्जाम्स को क्लियर करके एक सिक्योरिटी बना लेता हूँ, देन आई विल गो फॉर उसके लिए कि जैसे SSC के लिए, फाइनली आपने वो अचीव कर लिया। पर ऐसे दौर में आपने पूरा एक प्लान आउट तो किया होगा, या मोटे तौर पर आपके दिमाग में प्लान था, क्या कैसे था स्टार्टिंग से बताइए? जीडी देने के बाद क्या चल रहा था? जीडी और MTS में तो मेरा कुछ भी प्लान नहीं था, मतलब वो मैं देने चला गया था बस वैसे ही। मैंने जब कोचिंग ज्वाइन की तब मैंने बहुत सॉलिड प्लान बनाया था कि मुझे अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, स्टेप्स बनाए थे। जैसे कि अब मैंने SBI क्लर्क में, अभी मैं पहुंचे तो IBPS PO मेरा निकल गया, बट मेरा जो एम था उस टाइम जब मैंने ज्वाइन किया IBPS PO ही था, IBPS PO क्लियर करके SSC CGL की प्रिपरेशन करेंगे बाद में, हाँ PO का मतलब लाइक मैन आई विल बी वर्किंग एज अ PO, तब मैं CGL करूंगा, क्योंकि CGL थोड़ी सी हल्की बेटर जॉब होती है इन कंपैरिजन टू अ PO, मतलब आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग एनीवन, बट हाँ थोड़ा है, जैसे वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा बेटर होता है, आप जो है सोशली थोड़े ज्यादा अच्छे से, मतलब सोशली तो दोनों बराबर है, बट एक चीज ये रहता है कि ये सब आपके दिमाग में था, हाँ ये सब था, मतलब मुझे लगता था कि एज एन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या फिर एज एन ऑडिट ऑफिसर मेरी इमेज, क्योंकि मेरे घर वाले भी मुझे ऐसे बोलते थे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बहुत अच्छा होता है, एक ऑडिट ऑफिसर बहुत अच्छा होता है, कि एक्साइज इंस्पेक्टर बहुत अच्छा होता है, तो हाँ ये चीज होता था। अब कि लेकिन बैंक PO इज इक्विवेलेंटली गुड, मैंने देखे हैं मेरे एक मतलब मैं जानता था एक सर को, वो बैंक PO थे, वो बैंक ऑफ बड़ौदा में थे, बहुत बहुत हार्ड वर्किंग थे, बहुत अच्छे इंसान है वो, तो मतलब लगता था कि वो जब जॉब करने के बाद भी इतने हार्ड वर्किंग है, तो जब जॉब नहीं थी उनके पास, जब वो प्रिपेयर करते होंगे तो कितने मेहनती होंगे, तो जो है मुझे उनको देख के थोड़ी मोटिवेशन मिलती थी। तो मैंने जो प्लान सेटअप किया था, जैसे मैंने जुलाई में वो किया था, एडमिशन लिया था कोचिंग में, तो जुलाई एंड में लिया था महिंद्रा में, और जुलाई के बाद ही मैंने मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश पे, तो तीन सब्जेक्ट पे तो सोचा था कि मुझे बहुत अच्छा कमांड चाहिए, मतलब थोड़ा था भी, मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ ही नहीं आता मुझे। जैसे मेरी जो फर्स्ट डे था क्लास कोचिंग का ओरिएंटेशन, तो मेरे अनुराग सर हैं हमारे कोचिंग के हेड हैं, मतलब उनका तो बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे सक्सेस में, उन्होंने रात में 2-2 बजे तक मुझे बैठ के मतलब क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, बैठाए हैं,
मतलब मैं उनको टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेजा करता था, वो मुझे वो भेजा आंसर करते थे। मिलते थे हाँ आपको। वो बहुत मुझे चैलेंज करते थे हर चीजों में, अभी भी करते हैं। जैसे अभी हाँ मैं ब्रांच में अगर बैठा हूँ, क्वेश्चन आ जाता है कि इसको सॉल्व करके दो और क्या कहते हैं सॉल्यूशन भेजो, मतलब सामने कस्टमर्स खड़े और मैं इधर को मेरे माइंड में वो क्वेश्चन चल रहा होता है कि इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। तो मैंने ये प्लान कर लिया था और अनुराग सर ने तो बहुत हेल्प करी मेरी। कोचिंग में मुझे कुछ भी कमी नहीं होने दी, कुछ भी। मतलब मैं सुबह 9 बजे आता था, शाम में 7 बजे 8 बजे निकलता था कोचिंग से। मैं दिन करते की क्या थे पूरे दिन में? क्लास तो 3-4 क्लास हो गई, चलो उसके बाद। मैं मॉक्स लगाया करता था। मैंने बहुत मॉक्स लगाए, मैंने IBPS PO प्री के मॉक, मतलब प्री से पहले करीबन हाँ करीबन 80-100 मॉक्स लगा लिया हूँ, जहाँ तक रफ एस्टिमेट है 80-100 मॉक्स। यानी कि केवल 80 से 100 तो मैंने मॉक्स लगाए हैं बैठ के। ये 1 साल के अंदर की पूरी कहानी है। ये सर मैं आपको 3 महीने, 2-3 महीने की बात बता रहा हूँ। अगस्त तीन सितंबर अक्टूबर में प्री था, हाँ 15 या 16 अक्टूबर को प्री था, ठीक तो है। अगस्त और सितंबर की बात बता रहा हूँ मैं। हम कोचिंग में अपनी दिन भर सुबह, में तो अच्छे खासे मॉक टेस्ट चले जाते हाँ होंगे फिर। हाँ जैसे कि अब एक IBPS PO प्री आ गया, ये SBI क्लर्क का प्री आ गया, तो मैंने एक दिन में बैठ के 3-3 4-4 मॉक्स लगाए हैं। क्या लगता है कि प्रिपरेशन का मूल मंत्र या सिलेक्शन का मूल मंत्र आपके हिसाब से क्या लग रहा है, क्या मॉक चीज है? मॉक मॉक जितने टेस्ट, मॉक्स हो सके उतने मॉक लगाइए टेस्ट देते कैसे थे? कोचिंग में बैठ के। मतलब मैंने मेजॉरिटी जो मॉक्स दिए हैं वो कोचिंग में बैठ के दिखे, जो लैब एसटी होती है लैब हमारी, एसटी होती और है वो सुपर फील। हाँ वो फील आती है वहाँ पे, क्योंकि जो सिस्टम रहता है सामने, अगल बगल सिस्टम्स रहते हैं, शोर शराबा थोड़ा होता है, होना जो भी चाहिए नॉर्मल क्योंकि नॉर्मल नॉर्मल एग्जाम हाँ नॉर्मल नॉर्मल एग्जाम में। में भी होता है। हाँ नॉर्मल एग्जाम में कुछ टेक्निकल इश्यूज आते हैं, वो भी तो वहां पे वहाँ सामने। वो भी कभी कभार आ जाते थे, जैसे कि चलते थे सिस्टम बंद हो गया, जैसे लाइट चली गई तो फिर हाँ सिस्टम बंद हो गया, तो आपका माइंडसेट बिल्डअप हो जाता है कि हाँ ये चीज़ ये वहाँ सब चीजें पे, हो घबराना सकती नहीं हैं। है हाँ वहाँ पे जाके। हाँ तो हाँ और ऐसा असली एग्जाम्स में भी हुआ है, मेरे काफ़ी हाँ फ्रेंड्स हैं। अब हाँ जैसे मेरी एक फ्रेंड है आयुषी, उसका मेन एग्जाम में जाने के बाद मेन IBPS PO मेन्स में 3 से 4 बार सिस्टम बंद हो गया था, क्योंकि वो जो सेंटर था वो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट सेंटर है, थोड़ा लोग जो है लापरवाही कर देते हैं, तो आफ्टर ऑल जो मेन जो एग्जाम देने एस्पिरेंट जा रहा है उसको प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती है। 3 से 4 बार उसका सिस्टम बंद हुआ, वो घबरा गई वहाँ पे। तो मतलब मैं भी होता तो मैं भी घबरा जाता, क्योंकि वो मेन एग्जाम है, ठीक है। तो उसका थोड़ा एग्जाम गड़बड़ हो गया था वहाँ पे। तो लैब एसटी में बैठने से आपके साइकोलॉजिकली आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं कि ऐसा ही है वहाँ पे, यही है ही, ऐसे ही लोग रहेंगे। और जो है आपको केवल, मतलब मैं तो ऐसा था कि अगर ये सिस्टम है, ये मेरी चेयर है, तो मैं चेयर जितनी अंदर कर सकता हूँ उतनी अंदर कर लेता था एग्जाम के कुछ टाइम, और कुछ पेरिफेरल और दिखे ही ना। अवेयरनेस हाँ बिल्कुल कुछ जीरो हो कुछ जाए। जीरो हो जाए, पता ही ना चले अगल बगल क्या चल रहा है, जो दिख रहा है स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन और रफ शीट, स्क्रीन और रफ शीट, ये चलता था बस। और एक तो सिस्टम वहाँ के चलते थोड़े बेकार हैं, मतलब स्लो चलना, हैंग हो जाना, कभी कभी एक एक दो दो सेकंड के लिए बीच में हैंग होते हैं। तो एग्जाम मतलब लैब एस्टी में बैठने से माइंडसेट वाकई बहुत, आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो जाते हैं कि हाँ वहाँ पे भी जाके यही मिलेगा। चलो अच्छा, मॉक टेस्ट देते थे, क्या एनालिसिस होती थी, क्या चीज देखते थे मॉक टेस्ट में? मेरा ये आ रहा है सही तो अच्छा जा रहा है, सर क्या जो चीज दिमाग में जो चलती थी? सही आ रहा है वो तो ठीक है, जो सही आ रहा है उसमें मैं ये देखता था कि इसमें टाइम कितना लगा। हाँ कोई ठीक भी है। क्वेश्चन बैंक बैंक के जब मैं एसे दिया करता था, तो हाँ 45 to 50 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना ठीक चाहिए। है। इंग्लिश तो मतलब ऐसा है कि इंग्लिश आप 1500 से 1500 मिनट मैक्स टू मैक्स लीजिए खत्म करने में। मैथ्स रीजनिंग में थोड़ा टाइम लग जाता था कभी कभी, क्योंकि थोड़े कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं ये देखता था कि जो क्वेश्चंस मैं सही कर रहा हूँ उसमें 45 to 50 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, जो क्वेश्चन मैं गलत कर रहा हूँ वो गलत क्यों हो रहे हैं। कभी कभी जैसे होता था कि आंसर आपने सही निकाला है, जल्दबाजी के चक्कर में वो गलत टिक हो गया, हमने टिक करके सबमिट कर दिया, टाइम इतना कम होता है कि आप देख नहीं सकते कि आपने हाँ पिछले क्वेश्चन पर क्या क्या टिक वो किया है। ह्यूमन एरर जो हाँ नॉर्मली यो है नॉर्मल मतलब। ह्यूमन एरर मैं उसको देखता था कि वो नहीं होनी चाहिए। हाँ उसके बाद फिर जो गलत हुए हैं क्या रीज़न था, जैसे इंग्लिश में कभी कभी वोकैब के क्वेश्चन होते थे वो काफ़ी गलत होते थे, हो जाते थे ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वोकैब ऐसी है, नेवर एंडिंग है, तो जो ओशन गलत है, होता तो उसकी एनालिसिस कर उसके लेते थे। एनालिसिस उसको याद करो बैठ के। मैथ्स के क्वेश्चन है, मैथ्स में मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड था हमेशा से, तो मैथ्स में मैं ये देखता था कि कोई भी क्वेश्चन अब मुझे 45 सेकंड से लगा है, तो मैं इसको 40 सेकंड्स में कैसे कर सकता हूँ, 35 में कैसे कर। तो IBPS PO मेन्स का जो मैथ्स का सेक्शन आया था वो इतना हार्ड था कि अनडूएबल था वो, मतलब अनडूएबल नहीं, मतलब इतना हार्ड था कि लोगों के एक एक दो दो मार्क्स आए हैं। कट ऑफ केवल 2.25 थी, लेकिन तो भी लोग जो बहुत एक्सीलेंट लोग हैं, मतलब मैं पर्सनली जानता हूँ उनको, तो उनका नहीं निकला जस्ट बिकॉज मैथ्स इतनी हार्ड आई थी वो। तो मैं ये चीज़ मतलब ये रहता था कि 30 सेकेंड्स में क्वेश्चन को कर डालो, जैसे तैसे कर डालो। तो मैं ये एनालाइज करता था गलत क्यों हो रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, नहीं आता तो उसको सीखो और मेहनत करो। अच्छा, जब आपका रिजल्ट बन जाता था मॉक टेस्ट का तो उसमें क्या देख के खुशी होती थी? और जब रैंक फर्स्ट आती थी तब आती अच्छा, थी रैंक फर्स्ट? हाँ कितनी बार आई? क्या बहुत बार आई, गिनती नहीं सर। बात।
और सेकंड आते तो बुरा लगता है। ये कॉन्फिडेंस है जो जो तैयारी का कॉन्फिडेंस है। जैसे कि मैं सुपर 40 के मॉक्स देता था तो कोई जब ऊपर आ जाता था ना तब जो मतलब जेलसी फील होती थी ना कि क्यों आ गया वो इंसान, पर वो जो माइंड मतलब अगली बार अगला मॉक मुझे इससे आगे निकलना है मुझे कम से कम वो वाली फील आती थी, मतलब कि नहीं अब जो है पुश करता था मैं अपने आप को। मैंने इनफैक्ट कई सारे अपने दिन की जो लंच टाइम होता है वो मैं स्किप कर देता जस्ट बिकॉज कि जाओ खाना खाओ वापस आओ, तो उसमें जितना टाइम लगता था एक से आधा एक घंटा डेढ़ घंटा जितना भी लगता था तो मैं चाहता था कि मैं उसको ना वेस्ट करूं, मैं बैठ कर पढ़ता रहूं उसको। घर पे तो थे नहीं? नहीं, बनारस घर है। हाँ, लखनऊ में रह रहे जी। तो एक कमरे में। हाँ, घूमने उमने जाने का कोई सीन नहीं? वीकेंड पे तो बनता होगा? नहीं, सर्कल कोई फ्रेंड सर्कल सब वीकेंड पे तो क्लासेस चलती थी। स्टडी सर्कल बना कि नहीं बना? हाँ, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा नहीं, पांच छह लोग थे, पांच छह लोग। क्या लगता है स्टडी सर्कल इफेक्टिव हुआ आपके लिए? डिपेंड करता आपका स्टडी सर्कल बना कैसा है आपके। मेरे पर्सनली हाँ बहुत, क्योंकि जब आप अगर सिंसियर हैं तो आपका जो सर्कल भी बनेगा प्रोबेबली आपको सूट करेगा तभी आप उसके अंदर रहोगे, अदरवाइज यू विल एस्केप फ्रॉम देयर, राइट है ना? ऐसा ही तो ऑब्वियस बात है कि हाँ। तो आपने आपका जो सर्कल बना कितने लोग लग रहे थे? ऑलमोस्ट 4 to 5 लोग थे। आपस में कैसे कॉम्पीट करते थे? आपस में दूसरे को हेल्प करते थे? मतलब हेल्दी कॉम्पिटिशन, ऐसा नहीं कि टॉक्सिक कॉम्पिटिशन, तुम्हारे मार्क्स कैसे ज्यादा आ गए मैं तुमसे बात, ये नहीं। ये छोटे बच्चे करते हैं जो कि तुम्हारे तुम ज्यादा मार्क्स लेके आए मैं तुमसे सीखूं। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, इंग्लिश बहुत अच्छी थी उनकी, मतलब लाइक इफ आई एम स्कोरिंग 25 out of 30 तो उनके 30 out of 30 भी आते थे। मैथ्स में मैं थोड़ा आगे रहता सबसे, रीजनिंग में कभी कोई आगे निकल गया कभी कोई आगे निकल गया, तो एक दूसरे की हेल्प करते थे, एक दूसरे की बहुत हेल्प करते थे। साथ में कभी बैठे तो रात में एग्जाम पे बात होती थी, अब चाय पे गए मान लीजिए कहीं, हाँ नुक्कड़ पे चले गए चाय पी रहे हैं जी, तो क्या चर्चा होती थी? यही कि ये वाला सेक्शन मेरे लिए हार्ड है, ये वाला सेक्शन जनरली पढ़ाई से रिलेटेड ही बात करेंगे, पढ़ाई से रिलेटेड। मतलब ऐसा था कि थोड़ा चिल टाइम भी करते थे कभी कभी, हो गया लाइक 1 से 9 तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। जैसे लखनऊ का जो सबसे बड़ा स्पॉट है 1090 तो वहां पे कभी कभी चले गए, जैसे 1 से 9 तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता था कि हाँ मजा आ रहा है। लाइक जो प्रिपरेशन का टाइम होता है ना बहुत ही अच्छा टाइम होता है वो, जॉब करने के बाद तो सब कुछ स्लो हो जाता है, थोड़ा बोरिंग हो जाता है, फ्रेंड्स छूट जाते हैं, लेकिन जो प्रिपरेशन का टाइम होता है ना वो एंजॉय करने का, मतलब वो जो मोमेंट होता है आप वहाँ पे आप उस मोमेंट को लिव करिए, उस मोमेंट पे ऐसा ना रखिए कि जो केवल ही पढ़ रहे हैं, मतलब थोड़ा आपको वो देर रहता है, एकदम ही बाहर मत जाइए प्रिपरेशन से। प्रिपरेशन में हर चीज एंजॉय कर, हर चीज एंजॉय। मैं तुमको एक एग्जांपल बताता हूँ, लखनऊ में ही रहते थे मेरे साथ, मेरा भाई तैयारी करता था, मैं पढ़ाता था, तो उसको सिखाने के लिए उसको रात में चाहिए होता था, 2-3 बजे तक पढ़ाई, 4 बजे तक करता था, सुबह तक जितना मैक्सिमम करता था। तो चले गए चाय पे, तो एटीएम के अंदर बैठ के वो करंट अफेयर्स की बुक उठा के वहाँ पे पढ़ रहे हैं, वहीं अंदर चाय पी रहे हैं। तो वो सब चीज़ें लगता है कि हाँ अगर, पर ये सिंसियरिटी पे ही आता है, नहीं तो वहाँ बैठ के आदमी कुछ भी कर सकता है जब आप बाहर जाते हैं, ये डिपेंड करता है। एक एटीएम को दुख के दो टाइप के इंसान होते हैं, एटीएम को देख के लूटने वाला भी होता है और बैठ के पढ़ने वाला भी, बैठ के पढ़ने वाला गर्मियों में। अच्छा, तुम रात में ज्यादा स्टडी करते थे या मॉर्निंग? आई एम अ नाइट पर्सन, मैं रात में, मतलब मेरा ऐसा था कि मैं 4-5 बजे सोता था, हाँ सुबह 10 बजे उठ के मॉक देने भाग जाता था। रात में 4-5 बजे सोए? हाँ, तो स्लीप स्केड्यूल एकदम बर्बाद था मेरा, नहीं होना चाहिए, किसी का भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि सर मतलब मेंटली वीक कर देता है आपको, आप क्लास में बैठे हो या मॉक दे रहे हो, इम्यूनिटी भी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। हाँ, और मतलब नींद आ रही है आपको तो वो हेल्दी नहीं। कभी कभार मैं क्लास में सोया भी हूँ, जैसे कि अब पढ़ रहे हैं बैठे बैठे नींद आ गई, वो मतलब ऐसे करके सोया हूँ चेन के नीचे मेरा हाथ। सोने वाले समय तो तुमको लगातार मिलेंगे आगे, तुम चिंता मत करो, मिस यही होगा ना, सोने वाला टाइम ज्यादा एंजॉय करो। वो तो है सर, है कि नहीं? अब मेरे फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव थे सर, सामने सर पढ़ा रहे हैं, मैं अगर बाय चांस सो गया तो मेरे को कवर अप कर लेते थे, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं नहीं सोता या फिर जो भी है ज्यादा एक्सेस पढ़ने की वजह से नींद आती, मतलब ऑब्वियसली बात है माइंड को रेस्ट चाहिए। घर वालों का कंसर्न रहता था कि बच्चा क्या कर रहा है, खाना पीना अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये पढ़ाई कितनी सिंसियर, घर वालों को कभी पढ़ाई के लिए कभी नहीं, मैंने कभी फील था कि अच्छा कर रहा है तो, ये था, ये हमेशा से था कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, बस थोड़ा ये इस बात पे ओवर कॉन्शियस रहते थे कि होगा नहीं, ये हमेशा मेरे से बोलते थे कि कोई बात नहीं तो टेंशन मत ले, जो होगा अच्छा ही होगा। पहला एग्जाम जब निकला घर पे बताया तो क्या कैसा रिएक्शन था? अच्छा था, किसको बताया? मैंने कॉल करके, पहला एग्जाम जब मेरा जीडी निकला था तो मेरा छोटा भाई है अंशुल, ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छा, मतलब उसको वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करेगा, वो ग्रेजुएशन करता है अभी,
पहले से ही माइंड मेकअप है। हाँ पहले से माइंड मेकअप है उसका। तो उस मैंने उसको जाके बताया, फिर मैंने पापा को कॉल किया, मम्मी को कॉल किया, घर पे भी नहीं थे वो उस टाइम वो, तो फिर मैंने बताया कि निकल गया। फिर मैंने स्क्रीनशॉट लिया उस चार्ट का, यहाँ पे मेरा नाम था। एक तो मेरा नाम इतना कॉमन है कि मेरे मुझे अगर पूरी लिस्ट में अगर सर्च करना होता है, मैं रजिस्ट्रेशन रोल नंबर नहीं सर्च करता, मैं सीधे अपना नाम लिख देता हूँ तो आ जाता है। अब जैसे सर सीजीएल का जब रिजल्ट आया था, 360,000 लोगों में से केवल मेरा नाम, मैंने मेहुल बंसल लिखा था, केवल मेरा नाम था। तो पहली बार बताया तो पापा मम्मी का रिएक्शन क्या? अच्छा नाम था, अच्छा अच्छा रिएक्शन था सर, मतलब अच्छा है। कब सबसे ज्यादा उनको खुशी मिली? सबसे ज्यादा खुशी सीजीएल के रिजल्ट पे। सीजीएल के, क्योंकि वो चाहते थे। जब वो चाहते थे, क्या चाहते रात थे? में 11 बज रहे थे। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाए। मैंने इनकम टैक्स, मैंने इनकम टैक्स ले सकता था मैं, बट मैंने ऑडिट ऑफिसर को चूज किया क्योंकि कैजेटेड पोस्ट है, 4800 ग्रेड पे है, कहीं ना कहीं थोड़े से सीनियर हो सकते हैं वो लोग। हाँ, तो मेरे पापा हमेशा मुझे बोलते थे कि ऑडिट ऑफिसर बन जाओ, ऑडिट ऑफिसर कर ले वही पर, तो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस भी उसी को रखा था। इकोनॉमिकली कभी चैलेंज कोई फील किया? इकोनॉमिकली हाँ, मतलब स्टडी के दौरान। हाँ मतलब थोड़ा, और तुम्हें क्या लगता था कि ये जरूरी होता है? है ना, जरूरी होता है, मतलब माइंड पे थोड़ा प्रेशर रहता है कि अच्छा करना है। आगे के तुम्हारे प्लान्स क्या है? आगे के सर मुझे अभी मैं दो एग्जाम्स के लिए एम कर रहा हूँ, क्योंकि सीजीएल की टॉप मोस्ट पोस्ट मिल चुकी है। बैंक, मतलब बैंक थोड़ा सा नीचे होता है एसएससी से, तो एसएससी तो अब मैं जो ऑलरेडी जितना मैं कर सकता था अभी तो मैं उसकी टॉप पे हूँ। आगे मैं अभी आरबीआई ग्रेड भी या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन करूंगा। मुझे एक बार बताओ, जब तुम पहली बार आए थे तुमने कहा मैथ्स तुम्हारी ठीक थी, रीजनिंग में चूंकि दिमाग चल रहा था तो रीजनिंग भी समझ में आ गई थी, इंग्लिश आपकी अच्छी थी, एजुकेशनल बैकग्राउंड ठीक था, इसकी वजह से जीएस को कैसे कोप अप किया भाई? कैसे गया ये जीएस और क्या स्कोर रहा तुम्हारा? सर जीएस तो बस कट जाए जैसे, मतलब मेरा ऐसा था, तो मुझे थोड़ा प्लान व्लान किया था। उसके लिए मैंने प्लान किया था, मैंने बड़ा मेहनत भी करी थी जीएस के लिए। जीएस थोड़ा मुझे वैसा लगता था, थोड़ा बोरिंग, मतलब बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट ये होता था ना तो कि बोरिंग लगता था। वो इतना वास्ट है ना, तो मेरा देख के डर लगता था कि यार ये तो कितना बड़ा है, इसको कैसे पढ़ेंगे, कहाँ तक पढ़ेंगे। तो आईबीपीएस पीओ के मेंस में भी जीए का मेरा सेक्शनल कट ऑफ जो है बहुत हल्के मार्जिन से निकला था। तो उस टाइम मुझे, मैं देख के डर गया था कि जब रिजल्ट आया था, मेरा स्कोर कार्ड आया था फरवरी में, मार्च में आया था उसका स्कोर कार्ड, तो मुझे देख के लगे थे ये क्या किया है मैंने, हल्के से रहेगा नहीं तो नहीं हो पाता। ऑल दो बाकी सब्जेक्ट में अच्छा खासा मार्जिन था कट ऑफ से, बट अगर जीए को अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो मेरा नहीं निकल पाता अगर मैं एक और गलती कर देता तो। ये बताओ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे, उनको तैयारी के प्रोस्पेक्टिव से अगर बात करें तो? अगर मैं क्या सलाह देना चाहूँ जीए के लिए बोलूँ तो जीए ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट है, तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जब उस एग्जाम का नोटिफिकेशन आया है तब से आप करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। करंट अफेयर्स बहुत डेप्थ में आते हैं, लेकिन मेरे बहुत कम मार्क्स थे जीए में, बट ऐसा था कि मैंने, मेरे जो बाकी फ्रेंड्स हैं 20-20 मार्क्स आए हैं, बहुत बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कंप्लीट स्टडी को लेकर। कंप्लीट तुम क्या कहना चाहोगे कि एक बच्चे को अगर अच्छी तैयारी करके एग्जाम निकालना है, क्या मूल मंत्र, क्योंकि पता तो तुमको है, वो एक अंदर की फीलिंग है कि वो कैसे निकल रहा था एग्जाम या कैसे निकलता है आइडिया, वो जो जिसने वो नस पकड़ ली तो वो है कौन सी नस, तुम बताओ कैसे? एग्जीक्यूशन, प्लान, एग्जीक्यूशन, मतलब प्लान, एनालिसिस, एग्जीक्यूशन। हाँ, एनालिसिस, एनालिसिस बहुत बड़ा टर्म है सर, मतलब आप कैसे एनालाइज कर रहे हो किसी चीज को, वो भी मैटर करता है। जैसे नहीं, आप अच्छा एनालिसिस करेंगे तो आप अच्छी स्टडी प्रिपेयर कर पाएंगे। वो तो है सर, वो तो। अगर आपकी एनालिसिस में ही वीकनेस है, वो अच्छी एनालिसिस प्रॉपर नहीं है, तो आप अच्छा प्लान कभी कर ही नहीं पाओगे। प्लान करोगे देन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन, राइट? है ना, तो एग्जीक्यूट करने की बारी तब आएगी जब आपके अच्छा प्लान होगा, और उसके पहले आएगा, उसके पहले आता है एनालिसिस। जैसे आपने कहा पहला जब हमने जीडी देखा था तो जीडी देख के हमें समझ में आ गया था कि इसमें क्या क्या है, कैसे है, एनालिसिस अच्छी गई जी, एनालिसिस मैंने किया था। मतलब ये समझना जरूरी है कि आप जिस एग्जाम को पढ़ने जा रहे हो उसमें आता क्या क्या है। मतलब मैंने मेजोरिटी लोगों को देखा है, वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है कर रहा है, पता ही नहीं सब्जेक्ट्स क्या क्या है, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2 साल से, ऐसे बहुत लोग को देखा मैंने, सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो नॉन सिंसियर लोग हैं जो सिर्फ कहने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि ऑनेस्टली आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छा। कौन सी वो चीज थी जो ड्राइव कर रही थी कि अब स्टार्ट कर दिए गवर्नमेंट जॉब तो ले ही लेना है, कुछ तो रहा होगा जो ड्राइव कर रहा होगा आपको लगातार? मतलब स्टेट अवे आंसर किया इन्होंने सर, वो फैक्ट है सर, पता है। जैसे हम लोग एसबीआई की ट्रेनिंग में थे तो एक सर थे जो हम लोग को ट्रेन कर रहे थे, उन्होंने साफ साफ ये बोला था कि अब तुम्हारे पास वो चीज है जो तुम्हारे पास पहले नहीं थी, या इस दिन से पहले नहीं थी, वो है पैसा।
जब तुम्हारे मंथ की हर 25 तारीख को जब तुम्हारे मतलब सैलरी आएगी तुम्हें, अभी जैसे आज 24th है, अब कल ही सैलरी आए, तो मैं एक्साइटेड हूँ उस चीज़ के लिए कि कल सैलरी आएगी तो कुछ स्पेंड करेंगे, दोस्तों के साथ जाएंगे, क्योंकि अब तो एग्जाम निकल गया है तो थोड़ा लिव करना है ना मोमेंट। और भी दोस्त साथ के जो थे उनका भी एग्जाम निकला है, हाँ कुछ का निकला है, कुछ अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, जो नहीं निकला है वो उनको आप कैसे देखते मैं हैं? बहुत मोटिवेट करता हूँ रात में। अगर बिल्कुल मुझे लगता है कि अगर ये इंसान डिमोटिवेटेड है, मेरे से कई दिन से बात नहीं हुई है, मेरे इतने अच्छे फ्रेंड है, मैं रात में 12 बजे कॉल करता हूँ, 2 बजे कॉल करता हूँ, वो उठाएंगे कॉल, मुझसे बात करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स जाहिर करेंगे, आख्या है बहुत अच्छी फ्रेंड है सर मेरी, उनको मतलब बहुत वो उनका सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकला था जस्ट बिकॉज इंग्लिश में थोड़ा सा रह गया था उनका सेक्शनल कट ऑफ, नहीं तो हाँ आज उनकी भी जॉब होती, चलिए बहुत यार, शार्प माइंड है वो। आगे ईश्वर करेगा कि आगे होगी, है जी सर, ना। और जो भी देख रहे हैं, जो दिल से चाहते हैं कोई भी जॉब, कोई भी एग्जाम क्लियर करना, तो वो निश्चित, अगर वाकई में आपके अंदर से वो फीलिंग आ रही है, दिन भर में फीलिंग आती थी एग्जाम ये दे रहे हैं हाँ या भूल जाते थे कि हम कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, 24/7 आती थी सर, मतलब ये वो कभी रहता दिमाग कभी से तो जाता नहीं होगा। नहीं जाता था सर। एग्जाम के प्रिपरेशन से पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, जो स्टॉक्स की वीडियो थी, हाँ उसमें एक इंसान आया था, उसकी उस थंबनेल पे लिखा हुआ था हाउ आई क्लियर 4 एग्जाम्स इन 6 मंथ्स। तो उस वीडियो को देख के मैं बहुत मोटिवेट हुआ था कि इस तुमने इंसान उससे ने, कम कुछ नहीं किया मैंने पता। इससे ज़्यादा कर लिया सर हाँ इनफैक्ट, क्योंकि मैंने IBPS PO का जो मेन्स था हाँ विद इन 5 मंथ्स, ये 4 मंथ्स, 4 जुलाई, हाँ 4 मंथ्स में मैंने IBPS PO मेन्स क्लियर कर लिया था। और उस सेम टाइम SBI क्लर्क था, IBPS PO था, SSC GD और MTS में कर चुका था, तो कहीं ना मैं कहीं उससे थोड़ा आगे निकल चुका हूँ, मतलब अगर मैं हाँ देखूँ। नहीं, निश्चित रूप से। एक और सवाल मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, जब आपको ये पता चला कि आपका CGL निकल गया, तो फिर बैंक को लेकर क्या विचार आया फिर? सर मैं SBI क्लर्क में तो ऑलरेडी पोस्टेड था, IBPS PO सोच लिया था में छोड़ देंगे? भी, मतलब सर ऐसा था कि मैंने ये प्लान किया कि छोड़ना कब है, जैसे कि DV हो जाए उससे पहले या उसके बाद, हाँ तो वो चीज़ मैटर करती है, जैसे कि अगर DV से पहले आप रिज़ाइन करते हो, कल को जाके DV में कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोई एक चीज़ से ऑब्जेक्शन उठ गई और आप हाँ रिजेक्ट हो जाते हो तो। अच्छा, तुम्हारा ग्रेजुएशन का भी कुछ सीन था है हाँ ना, हाँ एग्जाम वाला क्लर्क वाले में था ना, SBI हाँ क्लर्क नहीं, नहीं IBPS PO में था सर IBPS PO में था, क्या जी। उसमें क्या सीन था? एक्चुअली IBPS PO का जो नोटिफिकेशन था उसमें हाँ क्या हुआ था कि 22 अगस्त तक उस फॉर्म को भर सकते थे, ठीक है और मेरा 22 अगस्त तक रिजल्ट नहीं आया था। हुआ ठीक क्या है था, कॉलेज ने 13th को डिक्लेयर कर दिया था रिजल्ट, हाँ बट उन्होंने साइट पर अपलोड नहीं किया, हाँ ठीक थर्टीन है। अगस्त को डिक्लेयर कर दिया अच्छा, रिजल्ट। मार्कशीट पे जो वो एक स्टैम्प लगता है उसमें भी डेट लिखी हुई थी, तो उस पर डेट हाँ क्या की, उस क्या पे लिख, डेट 24th ही थी, बट ट्वेंटी फिर फोर मेरे थी कॉलेज ने बाद में मुझे रिटर्न में दिया कि 13 अगस्त को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था, आपके हाँ इतने इतने परसेंट है, हाँ तो फिर मैंने IBPS PO के इंटरव्यू से पहले जो डॉक्यूमेंट तो वेरिफिकेशन फॉर्म था पहले भर दिया था, वो मैंने पहले भर दिया था, तो क्योंकि उसमें वो तो मार्कशीट डू एंड नंबर डाई, वंबर तो जो भरना था वो वो, मैंने थोड़े अप्रोक्सीमेट मतलब तो लाइक उसको कैसे करेक्शन लगाया फिर बाद में? उसका एफिडेविट बन जाता है सर, मतलब आपने गलती कर ली, एफिडेविट में क्या लिखा आपने? कोई भी लॉयर जो आपके नॉन लॉयर हैं आप उनसे एफिडेविट बनवा सकते हैं, 10 रुपये का शायद स्टैम्प लगता है उसमें, हाँ और उसमें वो ये लिख के देंगे कि आपकी गलती की वजह से आपने ये चीज़ मतलब फॉर्म में गलती करी है और इसको करेक्ट कर दिया गया। ये एक हैक बता रहे हैं जो आप भी यूज कर सकते हैं, पर ये अच्छा है, मैं तो बिल्कुल सलाह दूंगा। मतलब किसी से अगर सच में गलती हुई है, जैसे कि अब मेरे नहीं केस गलती में, नहीं भी नहीं हुई, तुम्हारे केस में तो तुमने पहले फॉर्म भरा, तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया हुआ था, हाँ है ना, मतलब पर मेरे तुम केस में तो एक्सपेक्ट कर रहे कॉलेज हो। की गलती थी सर, जैसे कि हाँ उन्होंने नहीं, फिर मेरे कॉलेज ने भी रिटर्न में दिया मुझे, कॉलेज का स्टैम्प लगा एक शीट के ऊपर, उसमें उन्होंने लिख के दिया कि SSA 13 को रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था, कॉलेज की तरफ से जो नोटिस जारी हुआ था कि 13 को रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, वो उसकी मैंने हार्ड कॉपी रखी हुई थी कि अगर कुछ ऑब्जेक्शन हो तो मैं ये दिखा सकूंगा। फिर मैंने एफिडेविट भी बनवाया था कि SSC है, तो फिर मतलब मेरा वहाँ पर DV हो गया था, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई थी चलो, मुझे। आगे का क्या प्लान है? आगे सर अभी तो, अभी थोड़ा एंजॉय करना है कुछ टाइम तक, जब तक CGL की ज्वाइनिंग ना हो जाए, ज्वाइनिंग होने के बाद CGL में थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होता करेंगे है हाँ, तो तो उस टाइम मैं प्रिपेयर करना फिर से स्टार्ट कर दूंगा, क्या RBI UPSC? या UPSC, मतलब अभी मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, क्योंकि UPSC थोड़ा अलग है, RBI थोड़ा अलग है, दोनों प्रोस्पेक्टस में। RBI में फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, अगर RBI के बारे में कोई जानता है तो RBI का जो एक CTC होता है एक न्यूली रिक्रूटेड इंसान का, वो 26 से 28 LPA होता है, और वेयर एज अगर आप UPSC में देखें तो UPSC में सोशल और क्या बोलते तुम्हारा हैं, कैलकुलेशन बहुत जो है सिर्फ टू द पॉइंट है, यानी एक ही चीज को लेकर कैलकुलेशन सारा बना रखा है तुमने, वो तो है सर बिल्कुल सही है, कोई बुराई नहीं है इसमें, क्योंकि हम काम भी उसी लिए कर रहे हैं, जी सर क्या ना।
खैर चलो, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, तुमसे बात करके, तुम्हारी स्टोरी समझ के। उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कुछ ना कुछ सीख लिए होंगे। आप निश्चित रूप से सीख लिए होंगे, क्योंकि ये आपके सामने प्रत्यक्ष हैं। अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। आपने तो 6 महीने के भीतर कई सारे एग्जाम फोड़े, आप भी फोड़ सकते हैं। लास्ट आप क्या कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? मैं ये कहना चाहूंगा कि डेडिकेटेड रहिए, कभी अपने एम से मतलब डेविएट ना हो, डेविएट ना। तो और फिर उसके बाद अपना मेजॉरिटी टाइम, मतलब मैंने, मेरे एक रूममेट हुआ करते थे, मैंने उनको वाकई देखा है कि वो बंदा उठता था, ब्रश करता था, फेस होता था, पढ़ने बैठ जाता था। कहाँ है? तो पता नहीं सर उनके बारे में, उनका वो टीचिंग लाइन में थे, वो मैं टीचर बना था उन्हें। बट मैंने वाकई उनको देख के लगा था कि ये इंसान उठने के बाद कुछ सोचता नहीं है, सोने से पहले पढ़ते पढ़ते सो रहा, सोने के उठने के बाद फेस धो के ब्रश करके 5 मिनट टहला। तुमने ये अडॉप्ट कर लिया था? हाँ, मैं उठता ही लेट था सर, मैं 9-10 तो बस मैं उठता था, देखा टाइम कितना हो रहा, मैं लेट हूँ, ऑन टाइम हूँ, क्या हूँ, ब्रश किया, नहाया, तुरंत भाग जाओ। कुछ पढ़ाई के लिए कोई रूटीन बना रखा था क्या? कोई ऐसा फिक्स रूटीन था नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं उसको फॉलो नहीं करता। नहीं, टाइम टेबल लोग, हाँ, बट ये था कि मुझे इतना तो ए मतलब अचीव करना ही है। मुझे ये था कि प्री से पहले मुझे मेंस तक का सिलेबस कवर कर लेना, मतलब सिलेबस टारगेट बनाते, सिलेबस टारगेट था कि ये बुक है, इस बुक को खत्म कर देना है, ये वीडियो लेक्चर है इनको खत्म कर देना है, क्लासेस चल रही है कोचिंग में मुझे उनको खत्म कर देना, इतने मार्क्स लगा लेने, ये एम था मेरा। ऐसा नहीं था कि सुबह उठे इतने बजे उठना ही है, फिर ब्रश करना है तो आपको 15 मिनट, मतलब लोग बनाते हैं ना शेड्यूल बना लेते कि 15 मिनट ब्रश करना है, 15 मिनट में नहाना है, आधे घंटे, तो वो वैसा कुछ नहीं था, कुछ हो भी नहीं पाता, फॉलो नहीं हो पाता मुझसे। तो मेरा कभी ऐसा फिक्स नहीं रहा, बट ये था कि जितना मुझे स्टडी पर्पस के लिए प्लान कर रहा था मैंने, ये था समय उतना देते थे। हाँ, लगभग कितने घंटे पढ़ लेते रहोगे दिन भर में? कोई ऐसा फिक्स नहीं था सर, बट ऑन एन एवरेज 8-10 आवर्स तो हो जाता था। बाकी और कोई काम? 8-10 आवर्स में मैं कम बता रहा हूँ, ज्यादा भी हो जाता था कभी कभी। जैसे कि अब मैं अगर कोचिंग से घर जा रहा हूँ तो माइंड में मेरे कैलकुलेशन चल रही है, जैसे कि 952 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब मैं चल ही रहा है वो माइंड में मेरे। तो ये सब चीजें थी। तो आप ये नहीं कह सकते कि कब पढ़ नहीं रहते? हाँ, कब पढ़ नहीं रहते, मतलब पढ़ ही रहते, समय कुछ ना कुछ लर्न कर रहे थे। हाँ, पढ़ ही रहते और दिमाग में हमेशा सेट रहता था कि ये एग्जाम है। अब जैसे सर की रीजनिंग है, रीजनिंग में थोड़े अगर मार्क्स कम आ गए तो क्यों कम आए? अगर आपने गलत था तो दिमाग, हाँ, गलत क्वेश्चन उठाया तो माइंड में इमेज चलती थी कि ये क्वेश्चन इतना लंबा था, ये क्वेश्चन नहीं उठाना था क्योंकि इसकी वजह से मैं, मेरे मार्क्स कम आए, तो मैं इसमें ज्यादा टाइम लगा दिया, कोई क्वेश्चन है मैंने 5 मिनट या 6 मिनट लगा दिया, तो बहुत 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 बड़ा नुकसान है ये। मॉक टेस्ट देने के बाद ही ये सब? मॉक टेस्ट देने के बाद हम, जैसे हम लोग सुपर 40 में थे तो एक दिन मॉक, एक दिन एनालिसिस। एनालिसिस की जो हम लोग की कोचिंग की जो टॉप मोस्ट फैकल्टी है, अनुज सर, राघवेंद्र सर, संजीव सर, वो लोग आके हमें पढ़ाया करते थे, एनालिसिस करवाया करते थे। तो करीबन करीबन 4-5 घंटे का वो एनालिसिस की क्लासेस चलती थी। तो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था मेरे एग्जाम को क्लियर करवाने में। अभी भी CGL की भी है तो उनके भी सुपर 40 बैचेस चल रहे हैं, कोई और एग्जाम है तो उनके भी सुपर 40 बैचेस चल रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा। तो मेहुल से मिलके बहुत अच्छा लगा, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा। जैसा इन्होंने किया, मैं आपको बताऊं कि ये एक मिसाल है, क्योंकि इतने कम समय में करना, इस तरीके के एग्ज़ाम्स को लगातार क्रैक करना, वो बहुत स्ट्रांग डेडिकेशन और जो है वो माइंडसेट के साथ ही हो सकता है। इनको अपनी हर एक चीज़ के बारे में पता था, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में भी जानकारी थी, अपनी वीकनेसेस के बारे में भी जानकारी थी। तो जब आदमी को अपने बारे में अच्छी बेहतर एनालिसिस और फिर जिस काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में भी अगर बेहतर एनालिसिस है, तो निश्चित तरीके से आप एक बढ़िया सामंजस्य से बनाकर एक अच्छी प्रिपरेशन की तरफ आगे बढ़ के और फाइनली आप जो भी चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि जैसा आपने किया वैसे आप लोग भी करेंगे और इनसे आपको निश्चित रूप से कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और एपिसोड में, किसी और ऐसे ही महान शख्सियत के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू नेक्स्ट डे। अगली क्लास में आपसे, अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी। आप खुश रहें, ख्याल रखें, मस्त रहें, पढ़ते लिखते रहें और जल्दी से ईश्वर करे आप सेलेक्ट हो जाएं। थैंक यू सो मच।